शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिजली बिल रद्द करने के लिए भाजपा द्वारा फूके गए बिगुल के चौथे क्रम में आज शनिवार को शहर के विविध जगहों पर विधायक, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय, प्रदेश और महानगर आघाड़ियों के नेता, मंडल और प्रभाग वार्ड के बूथ के सभी पदाधिकारियों सहित चार कार्यकर्ताओं के साथ यह जन आंदोलन किया गया। कोविड-19 के चलते लॉकडाउन किया गया, जिस कारण सभी कार्यालय प्रतिष्ठान बंद थे। महावितरण की ओर से 3 महीनों तक नागरिकों को बिजली के बिल नहीं भेजे गए, लेकिन अब नागरिकों को कई गुना बढ़कर बिजली के बिल आए हैं, जिसके खिलाफ भाजपा द्वारा शहर के लक्ष्मीनगर, तिलक पुतला और विविध जगहों पर आंदोलन किए गए, जिसमें शहर के लक्ष्मीनगर परिसर में महापौर संदीप जोशी के नेतृत्व में जन आंदोलन किया गया। या ठिकाणी कोविडच्या पूर्व काळामध्ये आम्ही 100 युनिट ग्राहकांचं बिल, विजेचं बिल हे माफ करू अशा घोषणा सन्माननीय ऊर्जा मंत्र्यांनी त्यावेळी दिल्या होत्या। कोविडची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे, नागरिकांची स्वतःची घरची स्थिती दयनीय आहे, कमाईचे दुसरे साधनं नाही आहेत आणि अशा याच्यात बिलं माफ करणं तर सोडा, 4-5-10 बिलं नागरिकांना या ठिकाणी उपलब्ध झालेले आहे। याला संपूर्ण जबाबदार हे उद्धव ठाकरे सरकार आणि आमचे नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत आहेत। तर त्यामुळे या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून आमचा हा चौथा टप्पा आंदोलनाचा सुरू आहे। या चौथ्या टप्प्यामध्ये चौकाचौकामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे बूथचे कार्यकर्ते आज बसलेले आहे। आम्ही त्यांना सांगतो आहे की आपण 3 महिन्याचे 300 युनिटचं बिल माफ करावं आणि त्यानंतरही जर झालं नाही तर हे आंदोलन आता उग्र स्वरूपामध्ये उग्र स्वरूप धारण करणार आहे आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी उद्धव ठाकरे सरकार आणि नितीन राऊत या सर्वांची राहणार आहे। आता हे तर असं आहे का पोरगं माझ्या घरी पैदा करायचं आणि त्याचा सारा खर्च जो आहे तो शेजारच्याला मागायचा, या पद्धतीचं नितीन राऊतचं कार्यक्रम आहे। पोरगं जर महाराष्ट्र शासनाचं आहे तर केंद्र सरकारने कशाला पैसे द्यावे, ही जबाबदारी त्यांची आहे, त्यांनी त्या पद्धतीने पैसा उभा करावा। शहर के तिलक पुतला चौक में भी भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके इनके नेतृत्व में जन आंदोलन किया गया। इस समय प्रवीण दटके इन्होंने कहा कि नागरिकों को आए बढ़े हुए बिजली के बिलों को लेकर आज यहां आंदोलन किया जा रहा है। बढ़े हुए बिजली बिल को सरकार ने 3 किस्तों में अदा करने का नियोजन करे, ऐसा दटके इन्होंने कहा। दटके बोले कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होते तो आगे चलकर भाजपा की ओर से तीव्र आंदोलन किया जाएगा। हमने पहले दिन श्री साहब को निवेदन दिया था, दूसरी बार हमने सारे मुख्य स्टेशन पर शांतता से आंदोलन करके बिलों की कॉपी और नागरिकों की तकरार दी थी। कोविड-19 के इस महामारी के काल में 2.5-3 महीना लोग अपने घर में थे और इन 3 महीनों में सरकार नागरिकों को अलग अलग स्टेटमेंट करके चिढ़ा रही है कि वर्क फ्रॉम होम होने से बिजली के बिल बढ़ के हुए आए, 3 महीना लोग घर में ही थे इसलिए बिजली की बहुत खपत हुई, ऐसे उटपटान कारण सरकार की ओर से आ रहे। कोविड-19 के कारण धूपकाले में कूलर देर से लगाए गए, एसी बहुत देर से लगाए गए और सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद थे, इसके बावजूद 10-10 पट बिल ज़्यादा है। हमारी सरकार से शांतता से निवेदन है कि माननीय ऊर्जा मंत्री पालक मंत्री जी ने बोला था कि हम दिल्ली के तर्ज पर 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हमारी मांग ऐसी है कि 3 महीने में मार्च अप्रैल में 100 यूनिट 300 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री करनी चाहिए। जिन लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट किया है उनके भी बिल इस बिल में लग के आए हैं वो उन्होंने रद्द करनी चाहिए, गलत सलत तरीके से बैच लग के आया है वो उन्होंने रद्द करना चाहिए। जो उन्होंने बोला था सरकार ने कि 5 साल बिजली के दरों में वृद्धि नहीं होगी, अप्रैल महीने में 7% की वृद्धि हुई है। हमारी सरकार से मांग है कि साल भर के लिए वृद्धि को स्थगित दी जाए। जो सरकार विद्युत आकार लेता है वो विद्युत आकार सरकार ने इस साल भर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नागरिक अड़चन में है, गरीब नागरिक अड़चन में, मध्यम वर्गीय नागरिक अड़चन में, जो सरकारी नौकरदार है उनके पगार 30-30, 40-40% काट दिए गए। इसलिए इस शांतता के आंदोलन के माध्यम से आज नागपुर में 2,500 जगह पर यह आंदोलन चल रहा है। कोविड-19 के सारे नियम फॉलो करके 4 से ज़्यादा लोग कहीं भी नहीं है और नियम के अनुसार हम ये आंदोलन कर रहे हैं। सरकार जरूर इस आंदोलन का ख्याल रखकर निर्णय करेंगी,
और ये सारे गलत सलत बिल वापस लेंगी और सही तरीके से बिल भेजकर इसके 3 इंस्टॉलमेंट देंगी। ऐसा इस आंदोलन के वजह से हमारा सरकार को आह्वान है, हमारी मांग है। यदि सरकार ने ये मांग नहीं सुनी तो और उग्र रूप से हम आंदोलन आगे करेंगे, ऐसा हम सरकार को आज ही हम बताना चाहते हैं। भारी भरकम बिजली बिल के विरोध में भाजपा की ओर से आज शहर के विविध जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए जन आंदोलन किया गया। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े, राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसे और क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBCN न्यूज नागपुर।